अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपने ये सुना और देखा है कि हर इंसान ज़मीन पर दफन है तो आपने कुछ गलत सुना है। जी हाँ, चांद पर नासा का साइंसदान जैन शोमेकर को इनकी खिदमत के तौर पर इनके जिस्म के कुछ हिस्सों को चांद पर दफन किया गया और ये पहला इंसान है जो ज़मीन के अलावा कहीं और दफन है। नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके पंजाबी लीक्स के सब्सक्राइबर बनना मत भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। जैन शूमेकर वो माहिर अर्जियात हैं जिन्होंने अपोलो मशीन्स को भेजने से पहले चांद की साख्त और गढ़ों को समझने में नासा की बहुत मदद की। इनका नाम चांद पे जाने वाले साइंसदानों की फहरिस्त में शामिल था, मगर बीमारी के बहस ये चांद पर ना जा सके। बाद अजा उन्होंने 183 छोटे सियारे भी दरियाफ्त किए। इनका इंतकाल जुलाई 1997 में हुआ और जुलाई 1999 को चांद पे जाने वाले मिशन के साथ इनकी बाकियात को भी भेजा गया और चांद पे दफन किया गया। यूं ये वाहिद इंसान है जिनकी बाकियात जमीन से बाहर किसी और सियारे यानी चांद पर दफन है। नाज़रीन, चांद की बात चली है तो आपको बताते चलें कि भारत ने कुछ दिन पहले चांद की जानिब अपना दूसरा खलाई मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया, जिसके फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने 2022 में पहले पाकिस्तानी को खला में भेजने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस ऐलान पे स्पार्को और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुकम्मल खामोशी छाई हुई है, क्योंकि इस मिशन की भारी जिम्मेदारी इन दो इदारों के कंधों पर होगी। नाज़रीन, क्या 1960 की दुहाई में होने वाली रूस अमेरिका के माबैन खलाई जंग जैसा मुकाबला पाक इंडिया के दरमियान भी हमें देखने को मिलेगा?